सारी बातें आपको हमारे प्रभारी जी ने और अध्यक्ष जी ने कही है। राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, हम देखकर राजस्थान के अंदर भी जिस रूप में लोगों ने उनका आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, वो बेमिसाल थी। पूरे देश के अंदर ही माहौल था, मुद्दे क्या थे, महंगाई का था, बेरोजगारी का था, और देश में जो हिंसा है, तनाव है, वो भी मुद्दा था। प्रेम मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए और अमीर गरीब की खाई नहीं बढ़नी चाहिए, तो मुद्दे थे। एक ये मुद्दे उन्होंने लंदन में कहे हैं जाकर के वहां पर। अब ये राहुल गांधी की पर्सनैलिटी से जिस प्रकार से पूरे देश में वेलकम हुआ उनका यात्रा में, करीब 3,500 किलोमीटर यात्रा थी, श्रीनगर में लाल चौक में जाकर झंडा फहरा दिया, उससे घबरा करके ये लोग राहुल गांधी को, पहले उन्होंने खूब सोशल मीडिया को काम लेके बदनाम किया, पोल खुल गई इनकी, राहुल गांधी वास्तव में क्या व्यक्तित्व रखता है, कैसे वो काम करते हैं। अब जब लंदन वो गए हैं और जिस प्रकार वहां लंदन में अपनी बात को रखा है, कैम्ब्रिज में भी और अन्य जगहों पर, उसे घबरा करके इन्होंने एक अभियान चला रखा है कि देश के साथ में उन्होंने जो कमेंट किए वो देश हित में नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कौन सा कमेंट उनका देश हित में नहीं है। आज को सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं, यहां मैं बोल रहा हूं तो अमेरिका में सुन रहे हैं, कोई सुनना चाहे तो इंग्लैंड में सुन सकते हैं। कौन सा मुद्दा जो राहुल गांधी ने यहां नहीं उठाया हो और वहां उठा दिया हो, बता दीजिए मेरे को। इस रूप में घबरा करके एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी खुद, उनके सिपह सलाहकार, आज राजनाथ सिंह जी बुलवा दिया हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि किस बात की माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी इन सबसे ज्यादा देशभक्त है। राहुल गांधी देशवासियों के लिए और देश के लिए जो भावना रखता है, हम लोग जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, किस प्रकार वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आम लोगों के लिए भावना रखता है, हम जानते हैं। उस व्यक्तित्व के बारे में इस प्रकार से प्रोपेगेंडा शुरू करना, क्योंकि धन बल की कमी नहीं इनके पास में, देश को बर्बाद करें, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवा करके विपक्षी नेताओं पर, पूरे देश में चर्चा के विषय बन चुका है बातें। इन बातों से देश आने वाला नहीं है, गुमराह होने वाला नहीं है, लोग समझ गए हैं इन चालों को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मैं इतनी निवेदन करूंगा, इस मौके पर आज जो मीटिंग थी उसमें कृपा करके हमारी स्कीमों को आप लोग, मेरा निवेदन है, आप अपने डिस्कशन में भी, आप अपने, आपका जो खुद की पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति तक भाव पहुंचना चाहिए, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए, वो तभी मिलेगी तो हमारी स्कीमें जो है गांव में ढाणे तक पहुंचेगी। उसमें हम लोग लगे हुए हैं, हाथ से जुड़ो हाथ प्रोग्राम जो है वो भी इसी के कड़ी का अंग है। शानदार मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और जो उत्साह था हमारे कार्यकर्ताओं में, ब्लॉक अध्यक्षों में, वो देखते ही बनता था। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, धन्यवाद।